बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले हमारे चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, आशा सहयोगिनियों और समस्त कोरोना वॉरियर्स का अभिवादन करती हूं, जिन्होंने इस विपत्ति काल में संयम, धैर्य और हिम्मत से अपना फर्ज निभाया और जी जान से लगातार मरीजों का उपचार जारी रखा। कई घंटों तक इन्होंने पीपीई किट भी पहना। सभापति महोदय, कोविड वार्ड में पीपीई किट पहनकर इलाज करना आग की लपटों में काम करने के बराबर था। कई दिनों तक ये कोरोना वॉरियर्स अपने घर भी नहीं गए थे। इन सभी कोरोना वॉरियर्स को मैं सलाम करती हूँ। साथ ही जहाँ लॉकडाउन के दौरान सभी लोग घरों में सुरक्षित थे, वहीं कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना वायरस से लड़ रहे थे। कुछ ने तो इसमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे। उन सबको मैं नमन करती हूँ। साथ ही मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर के भामाशाहों को भी हृदय के अंतकरण से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी तो इस युद्ध में आगे आकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा अन्य चिकित्सीय सामग्री उपलब्ध कराकर मरीजों की सांसों में जान फूंक दी थी। सभापति महोदय, पूरा विश्व 2 वर्ष से कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा लक्ष्य मानव की जान बचाने का है, जिसे हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रभावी तौर से निभाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जान बचाने के उद्देश्य से किए गए ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां बिना किसी भेदभाव के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गरीब तबके के हर व्यक्ति तक सहायता पहुँचाई गई है। हर घर तक राशन भी पहुँचाया गया है। मैं राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत के लिए 2 पंक्ति में अभिवादन ज्ञापित करना चाहती हूँ। समाज की आवाज़ को मसीहा बनकर उठाते हैं, समाज की आवाज़ को मसीहा बनकर उठाते हैं, विजय पथ के दृढ़ निश्चय सफर तय कर जाते हैं, करोड़ों के हृदय में यूं ही बस जाते हैं, करोड़ों के हृदय में यूं ही बस जाते हैं, इसीलिए अशोक गहलोत जननायक कहलाते हैं, जननायक कहलाते हैं। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर में अनेक उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही नेशनल हाईवे 76 पर एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा थे, घायलों को चित्तौड़ या उदयपुर ले जाने तक जान की हानि होने की आशंका बनी रहती थी, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रसंज्ञान लिया और मेनार में ट्रोमा सेंटर खोला, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बजट भाषण के जवाब में राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बम्बोरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत कर बजट में विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर परिवार वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। साथ ही उदयपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अतिरिक्त CMHO कार्यालय खोलने की घोषणा की है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करती हूँ। सभापति महोदय, विधानसभा वल्लभ नगर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सीय सुविधाएं सभी तक सुचारू रूप से पहुंच सके, उसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि जगत, नवाणिया, करणपुर और आकोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही माल की टूस के टांक में, सियाड़ के मांडकला में, कुंडई के गोटीपा में तथा रणछोड़पुरा और पिंडोलिया में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने बहुत आवश्यक हैं। विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर में चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों के भी काफ़ी पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें भरा जाना भी अत्यंत आवश्यक है। राज्य के सामान्य चिकित्सालय बिंडर तथा राज्य के मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कानोड़ व बम्बोरा चिकित्सालय में मैं मांग करती हूं कि महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि सभापति महोदय, गाँव में महिलाओं को CSC और PSC में पुरुष चिकित्सकों से इलाज कराने में बहुत झिझक रहती है, जिसके कारण उनका समय पे उपचार नहीं हो पाता है और एक छोटी सी बीमारी उनके लिए कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। इसके लिए आपके माध्यम से विनती करती हूँ कि प्रत्येक CSC पर महिला चिकित्सक का एक पद अनिवार्य रूप से स्वीकृत कराया जाए, जिससे महिलाएँ बेझिझक अपना उपचार करवा सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें।
सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि NRHM से जुड़े हुए सभी वर्गों को नियमित किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी कोरोना के काल में बहुत अच्छे वॉरियर्स के रूप में कार्य किया था। साथ ही मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि कुछ चिकित्सक अपने हेडक्वार्टर पे क्वार्टर होते हुए भी वहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे प्राइवेट कमाई में बिजी रहते हैं, जिससे उन्हें पाबंद किया जाए कि वे अपने हेडक्वार्टर पे ही रहें, क्योंकि इसी दौरान हमारे बिंडर में भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का निधन हो गया था, क्योंकि रात को उन्हें समय पे उपचार नहीं मिल सका था। कृपया तो इन्हें पाबंद किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद। वासुदेव जी देवनानी।